तो दोस्तों, काफ़ी समय बाद मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ हॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट कल्पना से प्रेरित साईफाई मूवीज़ को, जिनके अंदर आपको कमाल के हाई टेक्नोलॉजी विजुअल्स और काफ़ी ज़बरदस्त सीन्स देखने के लिए मिलेंगे। इस लिस्ट की अधिकतर फिल्में हिंदी में है, और इसी तरह की दुनिया की सबसे बेहतरीन मूवीज़ को अगर आप ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसी मूवीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आपको पूरी तरीके से चौंकाने के साथ कमाल का एक्सपीरियंस भी देंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना ताकि आप कोई ज़बरदस्त मूवी को मिस ना कर दो। नंबर 10 पर है क्योस वॉकिंग, जो कि आई थी 2021 में, एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। मूवी में कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ के लोगों के थॉट्स विजुलाइज होते हैं एक स्मोक में, जो कि हमेशा उनके इर्द गिर्द रहती है, और इस दुनिया में कोई भी औरत नहीं है। लेकिन एक दिन एक लड़की अपने स्पेसशिप के साथ उस जगह क्रैश हो जाती है। अब वहाँ के सभी लोग उस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। आखिर वो लड़की कौन है और वो सभी लोग उससे क्या चाहते हैं, आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। इसका थॉट्स विजुअलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है, जिसे देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। इस मूवी को IMDb पे 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है अपसाइड डाउन, जो कि 2012 में एक रोमांस साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी में कहानी अपोजिट ग्रेविटी वाले दो गरीब और अमीर दुनिया की, जो कि एक टावर से जुड़े हैं, जिसमें रह रहे एक लड़का और लड़की को आपस में प्यार हो जाता है। लेकिन ग्रेविटी के अलावा भी उनके प्यार में और क्या क्या चीजें रुकावटें बनती है, आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। ये एक जबरदस्त लव स्टोरी है, जिसे बहुत यूनिक तरीके से प्रेजेंट किया गया है, और इसके विजुअल्स भी बहुत पावरफुल हैं। और आप अगर एक अलग तरह की रोमांटिक कहानी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। इस मूवी का IMDb पे 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली, और ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 8 पर है द न्यू म्यूटेंट्स, जो कि आई थी 2020 में। एक हॉरर फैंटेसी साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी में कहानी है 5 सुपर पावर वाले म्यूटेंट टीनेजर्स की, जिनके पास अलग अलग तरह के सुपर पावर्स हैं। लेकिन उनके कुछ बुरे अतीत की वजह से उन्हें एक सीक्रेट जगह पर कैद करके रखा गया है, ताकि एक डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर सके। लेकिन उनके वहाँ होने की वजह क्या है, आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। मूवी के विजुअल्स कमाल के हैं, और इस मूवी का कॉन्सेप्ट भी जबरदस्त है। इस मूवी का IMDb पे 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली, और ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। चाहो तो आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी देख सकते हो। नंबर 7 पर है द सनशाइन, जो कि आई थी 2007 में। ये एक एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। सोचो, सूरज पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर होने के बाद उसमें इतनी गर्मी होती है, तो उसके बिल्कुल नजदीक जाने पर क्या होगा। जब एक एस्ट्रोनॉट टीम को एक बहुत बड़ा मिशन दिया जाता है, जिसमें उन्हें हमारे मरते हुए सूरज को बचाना है, क्योंकि अगर सूरज खत्म हो गया तो पूरी दुनिया में अंधकार छा जाएगा। तब कैसे वो एस्ट्रोनॉट्स खतरनाक चुनौतियों का सामना करते हुए सूरज को बचा पाते हैं या नहीं, आप देखिए इस मूवी में। ये मूवी कमाल की। इस मूवी को IMDb पे 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर है हार्डकोर हेनरी, जो कि आई थी 2015 में। एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी में कहानी है हेनरी नाम के एक हाफ ह्यूमन और हाफ रोबोट की, जिसे एक लैब में होश आता है, जहाँ पर उसे एक लड़की ठीक कर रही होती है, जो उसे बताती है कि वो उसकी बीवी है, और वो उसे मौत के मुंह से वापस लाई है। हेनरी के पास उसकी कोई पास्ट मेमोरी नहीं होती। ऐसे में उसकी बीवी कहती है कि तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन उसी वक्त उस लैब में एक पावरफुल आदमी अपने गैंग के साथ हमला कर देता है, और उसकी बीवी को किडनैप कर लेता है। अब हेनरी को किसी भी तरीके से पता लगाना है कि वो कौन है, और उसकी बीवी को आखिर क्यों किडनैप किया गया है, जिसके बाद वो किन किन चुनौतियों से गुजरता है, आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। इस मूवी के हीरो को फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, जिससे आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप कोई गेम देख रहे हो। और ये फुल एक्शन पैक्ड मूवी है, जिसमें आपको शुरू से लेकर आखिरी तक जबरदस्त फाइट सीन्स देखने को मिलेंगे। इस मूवी को IMDb पे 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, और ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है क्लाउड एटलस, जो कि 2012 में एक साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी है। मूवी में आपको 6 अलग अलग कहानियां देखने के लिए मिलेंगी, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होती है, और कुछ बुरे लोगों की हरकतें हमारे इस भविष्य में किस तरह से असर डालती है, जिसकी वजह से फ्यूचर के लोगों को किन किन हालातों का सामना करना पड़ सकता है, मूवी में काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अगर आपको कुछ डिफरेंट देखना पसंद है तो ये मूवी आपको काफी अच्छी लगेगी। लेकिन आपको अगर एक्शन और फाइट देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। इस मूवी को IMDb पे 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है व्हाट हैपेंड टू मंडे, जो कि 2017 में एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। जब भविष्य में ओवर पॉपुलेशन की जैसे सरकार सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति देती है, तब एक जगह एक ही जैसी दिखने वाली 7 लड़कियां पैदा हो जाती है, जिनका नाम वीक डेज के हिसाब से होता है, और शक्ल एक जैसी होने की वजह से वो सरकार को चकमा देती रहती हैं। लेकिन एक दिन उनमें से एक लड़की मंडे गायब हो जाती है, तो उसके साथ क्या हुआ और वो कहां पर है, जानने के लिए आपको इस जबरदस्त स्टोरी लाइन वाली मूवी को ही देखना चाहिए। इस मूवी की स्टोरी जिस तरह से डिजाइन की गई है, वो किसी का भी दिमाग हिला सकती है। इस मूवी को IMDb पे 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली, और ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। चाहो तो आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पे भी देख सकते हैं। नंबर 3 पर है ओगजा, जो कि आई थी 2017 में। एक एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी में कहानी है साउथ कोरिया में रहने वाली लड़की मीजा और उसके सुपर पिक की, जिसे 10 साल पहले एक कंपनी ने उसके दादाजी को दिया था। मीजा और उस सुपर पिक
में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन 10 साल बाद वो कंपनी आकर उस पिक को ले जाती है, जिसके बाद मीजा निकल पड़ती है अपने दोस्त को रेस्क्यू करने के लिए। और वो कंपनी उस सुपर पिक के साथ क्या करने वाली है आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। ये मूवी बहुत ही ज्यादा इमोशनल और हार्ट टचिंग है, जिसके कुछ सीन्स देखकर आपको काफी बुरा भी फील होगा। इस मूवी का IMDb पे 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हो। नंबर 2 पर है मिस्टर नोबडी, जो कि आई थी 2009 में। ये एक साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी है। मूवी में कहानी हमारे भविष्य 2092 की, जहां सभी ह्यूमन इमोर्टल हो चुके हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से, लेकिन अभी भी इस दुनिया में एक आखिरी मोर्टल आदमी है जो कि 118 साल का है। और नई जनरेशन के लोग जानना चाहते हैं कि पहले के लोग किस तरह के हुआ करते थे। ऐसे में वो आखिरी आदमी उन्हें अपनी काफी दिलचस्प कहानी सुनाता है, जो कि आपको भी इसी मूवी के अंदर ही सुननी चाहिए। इस मूवी की स्टोरी आपका दिमाग हिला देगी और हो सकता है आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना पड़े यूट्यूब पे। अगर आप साईफाई मूवीज के फैन हो तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी को IMDb पे 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली और अनफॉर्चुनेटली ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 1 पर है एक्स माकिना, जो कि आई थी 2014 में। एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी में कहानी एक जवान कंप्यूटर प्रोग्रामर कैलेब स्मिथ की, जिसे अपने बेहतरीन काम की वजह से एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के सीक्रेट और हाईली एडवांस फीमेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को टेस्ट करने का मौका मिलता है, ताकि वो उसके अंदर की खामियों को पता लगा सके। लेकिन उसे किसी तरह की कोई भी कमी नहीं मिलती, बल्कि उसे कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है जो उसे पूरी तरीके से चौंका देता है, जिसके लिए आपको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। इस मूवी की एंडिंग बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग और कंफ्यूजिंग है, जिसके लिए हो सकता है आपको यूट्यूब पे एंडिंग एक्सप्लेनेशन देखना पड़े इस मूवी का। इस मूवी को IMDb पे 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली और अनफॉर्चुनेटली ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आपका एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। और इसी तरह की बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज की लिस्ट आपको ऊपर आई बटन से भी मिल जाएंगी। और उन दोस्तों के साथ आपको इन मूवीज को जरूर शेयर करना चाहिए जो कि फालतू की मूवीज देख के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और कमेंट्स करके हमें जरूर बताना आपको और किस तरीके की मूवीज लिस्ट चाहिए।